इजराइल हमास युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। चीन ने पश्चिम एशिया में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 6 युद्धपोत तैनात किए गए हैं और ऐसे वक्त में जब ये युद्ध वैसे ही और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ चला जा रहा है, इजराइल बहुत सारे मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन चीन ने पश्चिम एशिया में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनडायरेक्टली ये साफ कर दिया है कि वो उस युद्ध में किसके साथ खड़ा है, इजराइल हमास युद्ध पर। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का हम बता रहे हैं। दो धड़ों में इस वक्त अगर कहें कि पूरी दुनिया बट गई है तो गलत नहीं होगा। एक वो जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो लगातार दूसरी तरफ मदद पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर में बड़ी परदानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावनिचरों के मावनिचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन हमारे लिए तो सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर तो इस वक्त फ़लस्तीन है। जिस तरीके से वहाँ पर जो थर्ड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन लगभग कल रात के बाद जिस तरीके से तुर्की ने जो हमला किया, तुर्की ने जो मिसाइल दागे, अब चिल्ला उठा है अमेरिका, चीख उठा है अमेरिका। अभी तक खामोश क्यों था अमेरिका? क्यों अपने वजीर खारजिया को 2 मरतबा भेजा 15 दिन के अंदर इसराइल को, और जब भी भेजा उन्हें वापस जाते इसने बमबारी की। इसने हॉस्पिटल गजा हॉस्पिटल के ऊपर जिसका जेर इलाज है, जो इन्हें जख्मी करा था, वो लोगों को शहीद किया इसने। अब ये क्यों आप उठा? और इसकी अल्फाज देखिए आप लोग, ये बोल रहा है इसके बयान में, ये दुनिया क्यों साथ दे रही है फलस्तीन का? अरे बज़ात, अरे बदअखलाक, अरे नीच, तू क्यों साथ दे रहा इसराइल का? क्यों तू ताईद में बात कर रहा इसराइल की? जब रोकना तेरे को कहा गया था, जब रोकने के लिए जब अपने वजीर खारजिया को भेज रहा तो उन्हें मान नहीं रहा बोला, अब बीच में क्यों आ रहा? जब वो ट्रिक उसकी फट रही, जब उसकी सही माने में फोड़ रहे तो तकलीफ तेरे को हो रही? अरे कितना बज़ात है तू, कितना नीच है, सारी दुनिया को पहले से मालूम था, सारी दुनिया को पहले से मालूम था, अब पूरी तरीके से मालूम हो गया तेरा दुगलापन और तेरा घिनौनी चेहरा, अब बेनकाब हो चुका है सारे आलम के लिए। जब तक के रशिया हो या चाइना हो या कोरिया हो, पहले से बोलते हुए आ रहे थे तेरी हाल हकीकत, तेरी औकात, तो कितना बड़ा बहरूपिया है। लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक तेरे ऊपर एतबार करते थे, तेरे ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन अस्तीन में जो सांप पालते हैं ना, वो तेरे को पाल के, तेरी परवरिश करके, तेरे को खिला पिला के तैयार कर रहे थे, जो तू डस रहा था। लेकिन तेरा भी इलाज अब हो चुका है तकरीबन। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें कितना चिल्लाता चिल्लाने दो, जितना पुकारता पुकारने दो, अब इन्हें बैठक के लिए बात कर रहा, पहले उसको आज़ाद करा फलस्तीन को रे, अरे नापिकार, पहले फलस्तीन को आज़ाद करा, वहाँ पे लकीर खींच फलस्तीन को अलग, और इसको इस दज्जाल की नस्ल को, इस यहूदी को अलग करो, उसके बाद समझ में आएगा, वो इंसाफ होगा। अब लड़ाई रुकने से क्या होता है? लड़ाई तो ये कितने सालों से चल रही है, ये 1950 बोले तो 70-72 साल से चल रही है, 1951 से लड़ाई चल रही है मस्जिद अक्सा के लिए, हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन याद रखो जालिमों, हर जालिम का अंत होता है, हर पापी का खातिमा होता है, और अल्लाह के घर अंधेर नहीं है, देर ज़रूर है, अल्लाह के घर अंधेर है। जब लाठी उसकी जब गरजती है, जैसा तुम अब बर्बाद हो रहे हो ना, वैसे ही बर्बाद होते हैं। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस बार
इस बात पे जिस तरीके से तुर्की और ईरान ने जो हमला किया कल रात, जो मिसाइलें दागे गए, उसके बाद चाइना ने अपना एक काम करते हुए जो कि आप लोगों को 37 सेकंड की उस वीडियो को भी रखा हूँ, क्योंकि मैं बगैर प्रूफ बगैर सबूत के ना बात करता, क्योंकि बस हमारे लोग सवालात करने जाते हैं तो उन सवालात का जवाब अपने आप में दे देता हूँ, जबानी उससे नहीं प्रूफ के जरिए सबूत के जरिए वो रख दिया हूँ। अब चाइना भी 6 ऐसे जहाजे दिया है आज सुबह सुबह जो वह तकरीबन अगरचे अमेरिका हो या कौन सी भी दुनिया की कंट्री हो, अगरचे ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो ये लोगों के पास अलार्म भी बज जाता और इनको पता भी चल जाता कि कितने रेंज से आ रही, कितने ताकत से आ रही, कितने पावर है इसका और कितनी स्पीड से आ रही, ये सारे चीज़ों का इल्म हो जाता जब बैठ के बटन से उड़ा दे सकते उसको। जैसा गेमा खेलते ना बच्चे, जैसा बताया जाता ना गेम खेलते हुए, वैसा काम हो जाता। इसलिए फिक्र करने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसलिए इन्हें क्या बोल रहा आप कि इतना साथ इसको फलस्तीन को क्यों दे रहे हो, एक अकेले निहत्ता इसराइल के ऊपर इतना प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो और इतने मुल्के मिलके इसके ऊपर ताकत क्यों दिखा रहे हो, ताकत क्यों आजमा, आ जा तू भी मैदान में, फिर देरी किस बात की है, किसने मना किया तेरे को, किसने इंकार किया। वो लोग तो बाजाब्ता तौर पर कल ही ऐलान कर दिए थे कि अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये अलार्म है वर्ल्ड वार का, हम तेरे ऊपर हमला करने वाले हैं, खुला बता के करे वो लोग, कोई धोखे से जैसा तुम लोग करते हो, जैसा इसराइल करता है, जैसा तू करता है, वैसा तो नहीं करे ये लोग, खुले तौर पर बोल के मारे हैं। और अब ये लोग खुला बोल चुके हैं कि अब हम कंटिन्यू मारते रहेंगे जब तक तबाह ताराज नहीं होंगे तुम, बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे तुम, बिल्कुल जमीन बोझ नहीं होंगे तुम। रोकना है रोको, लड़ना है लड़ो, तुम्हारे पास ताकत है अगर चाहे दम है तो, रोकना है वैसा रोको। अब जबानी जुमलेबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी तकरीबन 1 महीने के करीब हो चुका है, जुमलेबाजी चल रही थी, बयानबाजी चल रही थी, डायलेक्टबाजी चल रही थी, अब तो काम चालू हुआ तो तकलीफ हो रही, 12 घंटे 14 घंटे नहीं हुआ तकलीफ हो रही, इतना चल दिया आगे तो तकलीफ हो रही। जब अपने वजीर खारजा को भेजते जा रहे थे वहाँ पे, जवाब क्या मिल रहा था, इतना समझाने के बावजूद भी नहीं सुन रहा उन्हें, हम कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से बोल रहे थे हम ये दिखा रहे हैं तो अपना काम कर, का पूरा साफ कर दे, फलस्तीनियों को पूरों को शहीद कर दे, यही बोल रहे थे ना। अब निकल रहा, अब से ही तरीके से निकल रहा तो तकलीफ भी हो रही, चिल्ला भी रहे हैं। अब जो चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना दर्द होता है तुम्हारे को उतना राहत हमको मिलेगी, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मेरा गला बैठे हुआ है, मेरा गला बैठे हुआ है, लेकिन आप लोगों को तो खबर देना लाजिम है और वाजिब है, क्योंकि आप लोग बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, बेखरारी से इंतज़ार करते हैं, अगर जब आप लोगों को खबर नहीं मिली तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि क्यों अबू भाई कहाँ गए, आखिर क्या हो गया उनको, ये रहता है आप लोगों का। इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका भाई की सिर्फ गला बैठा है, बाकी सब हसब हाल मामूल है, अल्लाह का करम है बहुत बड़ा, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा, मालिक का करम है, मालिक का एहसान है, और आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरी सेहत भी अच्छी है और मैं महफूज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और रही बात इनके कोई बाप से न डरता मैं, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, हक बोलता हूँ, अल्लाह साथ देता है मेरा। ये लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों को दबाओ, इन चीज़ों को छुपाओ, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है, टट्टी मीडिया, हमारी गूकी मीडिया, जिस तरीके से जो गलत बयानबाजी करके जो इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट करती और उनकी वाहवाही करती जो कि नाकारा है, वैसा करो या नहीं करते तो कम से कम खामोश बैठो, सच्चाई मत दिखाओ, लेकिन ये हमसे नहीं हो सकता भाई, हमसे नहीं हो सकता। इसीलिए इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में
कायम रहेंगे जब तक अल्लाह सांस देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बराबर बोलते भी रहेंगे, आप लोगों को समझाते भी रहेंगे इंशाल्लाह, और इनका मुंह तोड़ जवाब भी देते रहेंगे और हाल हकीकत बताते रहेंगे और इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब करेंगे, इनके पर्दाफाश करते रहेंगे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मार बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएँ करिए और फ़लस्तीन के हक़ में जितने ममालिक लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, और आप लोगों की दुआओं का ही असर है। आज सारी दुनिया एक हो चुकी है और सारे मुसलमान एक हो चुके हैं, अब इसकी औकात इसको दिखाई जा रही है। अरे भाई, खाली एक हफ्ता इसके प्रोडक्ट को बैन किया गया, बाइकआउट किया गया, आप लोगों को पता है $300 बिलियन का नुकसान हो गया उसको, पता है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। इस्लाम का पावर और मुसलमानों का पावर जब इसको अब मालूम हो रहा, अभी तक मालूम नहीं था, क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे तो हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। जब हम एक हो गए तो हमारी ताकत का भी अंदाज़ा हो गया और इनको ये भी समझ में आ गया, जब ये लोग एक हो जाए तो इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। यल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।